अब्बू के पास साइंस और गानों का जो कलेक्शन है वो इस दुनिया में सबसे बड़ा है। इंग्लिश और बहुत सारी भाषाओं में आप उन्हें सुन सकते हैं। अब्बू, क्या वो तुम्हारा बड़ा भाई है? नहीं, वो अप्पू का बड़ा भाई नहीं है, पर जब अप्पू बड़ा हो जाएगा तो वैसा ही दिखेगा। क्या मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा? फिर तो मैं तुम्हारे घर की कुर्सी पर नहीं बैठ पाऊंगा। एक गाना सुनो। क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और हम साथ में पूरी दुनिया की सैर करेंगे। मैं भी रहूँगा और घूमूंगा तुम लोगों के साथ। हम हमेशा साथ रहेंगे। ये टाइगर बड़ा शरारती है, हमेशा उछलता कूदता रहता है। टाइगर, मैंने कहा था ना, ज्यादा मत उछलो कूदो, गिर जाओगे तो चोट लग जाएगी। आओ इधर बैठो, मैं तुम्हें एक कविता सुनाता हूँ। बंदर मामा पहन पजामा कुर्ता डाले निकल पड़े, दिखा नहीं केले का छिलका, पैर पड़ा और फिसल पड़े। बंदर मामा पहन पजामा कुर्ता डाले निकल पड़े, दिखा नहीं केले का छिलका, पैर पड़ा और फिसल पड़े। बंदर मामा पहन पजामा कुर्ता डाले निकल पड़े, दिखा नहीं केले का छिलका, पैर पड़ा और फिसल पड़े। इसलिए हमें कोई भी चीज इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए, इससे किसी को भी चोट या नुकसान पहुंच सकता है। लगता है ये कौवा भूखा है। पर तुम्हें कैसे पता? देखो खाने की तरफ कैसे देख रहा है और काका कर रहा है। कौवा बोला काका का जाऊं तो मैं जाऊं कहां, भूखा हूँ मैं, कुछ तो दो, डिब्बा खोलो रोटी दो। कौवा बोला काका का जाऊं तो मैं जाऊं कहां, भूखा हूं मैं, कुछ तो दो, डिब्बा खोलो रोटी दो। आओ इधर आओ कौवे, ये लो रोटी खाओ। मैं भी खिलाऊंगा, मैं भी खिलाऊंगा।
ये तितलियाँ कितनी प्यारी हैं, कितनी रंगीन और खूबसूरत, और ये उड़ भी सकती हैं। सोचो, अगर तितलियाँ उड़ नहीं पाएंगी तो फिर अपने घर कैसे जाएंगी? हो, बस से जाएंगी और क्या। तितली और बस, याद आया, एक गाना सुनो। तितली उड़ी रे, उड़ न सकी, बस में चढ़ी, सीट न मिली, सीट न मिली, रोने लगी। कंडक्टर ने कहा चल मेरे साथ, तितली बोली चल हट बदमाश। तितली उड़ी रे, उड़ न सकी, बस में चढ़ी, सीट न मिली, सीट न मिली, रोने लगी। कंडक्टर ने कहा चल मेरे साथ, तितली बोली चल हट बदमाश। ओ, तो इसलिए तितलियाँ बस में नहीं चढ़ती हैं क्या? हाँ। अच्छा, अभी तितली रो रही थी तब तुमने उसे चुप क्यों नहीं कराया? अरे हाँ, मैं अभी चुप करा कर आता हूँ। ये तारे इतने ज्यादा चमकते कैसे हैं? क्योंकि ये हीरे हैं जो आसमान में लगे हुए हैं। तारे हमारे सूरज की तरह हैं। तो ये इतने छोटे क्यों हैं? क्योंकि चम चम करता तारा ये, कितना प्यारा तारा ये, सैकड़ों में दूर है रहता, लेकिन रात चकाचौंध करता। चम चम करता तारा ये, कितना प्यारा तारा ये, सैकड़ों में दूर है रहता, लेकिन रात चकाचौंध करता। अच्छा, अब मैं समझा कि रात में ये तारे इतनी रोशनी कैसे करते हैं। तारे सबको बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत हैं, जो सिर्फ रात में ही दिखलाई देते हैं। ऐसे ही मछलियों को नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है अप्पू, अब चुप हो जाओ, मत हंसो इस बेचारे पर। तुम करना क्या चाह रहे थे टाइगर? मैं बस खेलना चाहता था उन मछलियों के साथ, इसलिए उन्हें बाहर निकाल रहा था। मछली जल की हैरानी, जीवन उसका है पानी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मछली जल की हैरानी, जीवन उसका है पानी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अब पता चला क्या होता है? हाँ, मैं समझ गया, हमें मछलियों को पानी के बाहर नहीं निकालना चाहिए क्योंकि पानी उनका घर होता है। ठीक है, तो मैं पानी में ही जाकर उनके साथ खेलूंगा। नहीं बुद्धू, तुम पानी में सांस नहीं ले सकते, सिर्फ मछलियाँ ले सकती हैं। कितना काला और बदसूरत कौआ है वो। शो शो शो। क्या तुम जानते हो कि कौए कितने चालाक और समझदार होते हैं? कौए और चालाक हो ही नहीं सकता। आओ एक कविता सुनो। एक कौआ प्यासा था, जग में पानी थोड़ा था, कौए ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
एक कौआ प्यासा था, जग में पानी थोड़ा था। कौए ने डाला कंकर, पानी आया ऊपर। कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। मान गया मैं तो, कौए बहुत चालाक और समझदार होते हैं। हाँ, मुझे तो लगता है कि कौए तो टाइगर से भी ज्यादा समझदार होते हैं। नीना नीना, मुन्ना के बारे में एक गाना सुनाओ ना। मुन्ना गया मछली पकड़ने खे नदी के पास, बंसी ले गया मेंढक राजा, मछली ले गया बास। मुन्ना गया मछली पकड़ने खे नदी के पास, बंसी ले गया मेंढक राजा, मछली ले गया बास। क्यों, गाना कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ओफो, कितनी गर्मी है। काश अभी बारिश हो जाए तो कितना मजा आएगा। अच्छा वो देखो, बादल आने शुरू हो गए हैं। ये अब बारिश होगी। टाइगर, ये जरूरी नहीं कि अगर बादल आ गए तो बारिश होगी। चलो बादल राजा से बारिश की विनती करते हैं। बादल राजा, बादल राजा, जल्दी से पानी बरसा जा। नन्हे मुन्ने झुलस रहे हैं, धरती की तू प्यास बुझा जा। जल्दी से पानी बरसा जा। बादल राजा, बादल राजा, जल्दी से पानी बरसा जा। नन्हे मुन्ने झुलस रहे हैं, धरती की तू प्यास बुझा जा। जल्दी से पानी बरसा जा। मुझे लगता है अब बारिश होगी। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि बारिश होने वाली है। कैसी डरावनी आवाज सुनाई दे रही है। लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। और वो देखो, मोर और मेंढक भी बाहर आ गए हैं। हमें घर के अंदर चले जाना चाहिए, वरना हम भीग जाएंगे। मुझे भीगना है, बड़ा मजा आएगा। अच्छा तो आओ एक कविता सुनाता हूँ। रिम झिम बारिश आई, मेंढक मोर साथ मिलाई। दौड़ो दौड़ो आवाज सुनाई, छम छम गर गर नाच दिखाई। बूंद बूंद से जग नहलाई। रिम झिम बारिश आई, मेंढक मोर साथ मिलाई। दौड़ो दौड़ो आवाज सुनाई, छम छम गर गर नाच दिखाई। बूंद से जग नहलाई। मुझे बारिश बहुत पसंद है, क्या मैं जाकर भीग लूं? फिर तो मेंढक भी बीमार पड़ जाते होंगे। नहीं, वे पानी में रहने वाले जानवर हैं, इसलिए वे बीमार नहीं पड़ते, समझे? कितने बच्चे होंगे उस घोंसले में?
क्या लगता है? शायद 3 या 4। ओह, उनकी मम्मी यहाँ नहीं है लगता है, फिर तो ये उड़ जाएंगे। हाँ, चिड़िया चारों दिशाओं की सैर करके वापस अपने घर आ जाती है। कहीं खो गए तो? एक चिड़िया के बच्चे 4 घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को आए, घूम लिया है जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। एक चिड़िया के बच्चे 4 घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को आए, घूम लिया है जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। अब हमें भी अपने घर जाना चाहिए, है ना दोस्तों? हाँ चलो चले, बहुत शाम हो गई है और रात भी होने वाली है। चिड़ियों की तरह उड़ सकती। मैं सोच रही थी कि ये चिड़िया क्या खाती होगी। शायद बिस्कुट। नहीं नहीं, दूध मलाई। चिड़िया बिस्कुट और दूध मलाई का एक गीत सुनो। चिड़िया बोली कुट कुट कुट, मुझको दे दो दो बिस्कुट, भूख लगी है खाऊंगी, खाकर फिर से जाऊंगी। दूध मलाई रखी है पर उसमें तो मक्खी है, कैसे खाऊं कैसे खाऊं, चलो भूखी ही सो जाऊं। चिड़िया बोली कुट कुट कुट, मुझको दे दो दो बिस्कुट, भूख लगी है खाऊंगी, खाकर फिर से जाऊंगी। दूध मलाई रखी है पर उसमें तो मक्खी है, कैसे खाऊं कैसे खाऊं, चलो भूखी ही सो जाऊं। मुझे तो जोर से भूख लगी है, मैं जा रही हूँ दूध मलाई और बिस्कुट खाने। मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। अरे आज मंगलवार है, मुझे जंगल जाना है अपने कुछ दोस्तों से मिलने। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, चलो। अरे हाँ, टाइगर को भी ले लेते हैं। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि टाइगर चलेगा हमारे साथ? क्योंकि उसे जंगल से डर लगता है। चलो पूछ के देख लेते हैं। टाइगर, क्या तुम चलोगे हमारे साथ? हम घूमने जा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल चलूँगा, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? टू द जंगल। ओह, मुझे लगता है शायद मुझे बुखार है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, वैसे आज मंगलवार है। हाँ, और तुम्हें पता है आज चूहे को भी बुखार हुआ था और वो भी डॉक्टर के पास गया था। अब एक कविता सुनो। डॉक्टर के
पास जाना चाहोगे? नहीं नहीं, मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। कू कू, कितनी प्यारी आवाज है, कौन गा रहा है? ये कोयल है, जरूर इस आम के पेड़ पर कहीं बैठी होगी। वो देखो, वो रही कोयल, क्या वो इतना प्यारा गाना गाती है? हाँ, आओ एक कोयल की कविता सुने। कोयल कोयल बोल रही है, डाल डाल पर डोल रही है, कुहू कुहू के गीत सुनाती, कभी नहीं मेरे घर आती। आमों की डाली पर गाती, बच्चों के दिल को बहलाती, कुहू कुहू कर किसे बुलाती, क्या अम्मा की याद सताती। यदि हम भी कोयल बन जाते, उड़ते फिरते गीत सुनाते, यदि हम भी कोयल बन जाते, उड़ते फिरते गीत सुनाते। कोयल कोयल बोल रही है, डाल डाल पर डोल रही है, कुहू कुहू के गीत सुनाती, कभी नहीं मेरे घर आती। आमों की डाली पर गाती, बच्चों के दिल को बहलाती, कुहू कुहू कर किसे बुलाती, क्या अम्मा की याद सताती। यदि हम भी कोयल बन जाते, उड़ते फिरते गीत सुनाते, यदि हम भी कोयल बन जाते, उड़ते फिरते गीत सुनाते। ओ, मुझे भी कोयल बनना है, उड़ना है, फिरना है और सबको गीत सुनाना है। फिर तो तुम्हें आम के पेड़ पे अपना घर बनाना होगा। मुझे बंदर बड़े अच्छे लगते हैं। देखो कैसे किचकिच दांत दिखा रहे हैं। आओ, ये बंदर मुझे काट लेंगे, बचाओ बचाओ। नहीं टाइगर, अगर तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे तो वो तुमको नहीं काटेंगे। मुझे तो बंदर बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ आओ, इन काले बंदरों पे मैं एक कविता सुनाता हूँ। मस्त कलंदर काला बंदर हम बच्चों को भाता है, किचकिच दांत दिखाता है, खो खो हमें डराता है। मस्त कलंदर काला बंदर हम बच्चों को भाता है, किचकिच दांत दिखाता है, खो खो हमें डराता है। मस्त कलंदर काला बंदर हम बच्चों को भाता है, किचकिच दांत दिखाता है, खो खो हमें डराता है। मस्त कलंदर काला बंदर हम बच्चों को भाता है, किचकिच दांत दिखाता है, खो खो हमें डराता है। देखा बंदर हम बच्चों को कितना भाता है, देखो कैसे खो खो करके डराने की कोशिश कर रहा है। पर टाइगर, तुम उनके पास मत जाना, वो तुमको जरूर काट लेंगे। गया दूध पीकर। सच में मजा आ गया। हाँ, पर ये आता कहाँ से है? दूध हमें गाय से मिलता है। तो फिर उसके बच्चे क्या पिएंगे? हमने तो सारा दूध पी लिया। गाय अपने बच्चों को भी दूध पिलाती है और हमें भी, समझे? नहीं, बिल्कुल नहीं समझा। तो सुनो, मैं
दूध पिलाती है, गोरे रंग में सजती है, बच्चे सब आ जाते हैं, उसको प्यार जताते हैं, उसका एक बच्चा है, उछल कूद में पक्का है। मेरी गैया आती है, मुझको दूध पिलाती है, गोरे रंग में सजती है, बच्चे सब आ जाते हैं, उसको प्यार जताते हैं, उसका एक बच्चा है, उछल कूद में पक्का है। मुझे गैया बहुत पसंद है, मैं उससे दोस्ती कर लूँगा। पर क्यों? ताकि मैं रोज ढेर सारा दूध पी सकूँ। ये मेरी पेंटिंग बन गई, अब दूसरा बनाऊंगा। टाइगर, क्या तुम वहाँ से एक सफेद शीट लाकर मुझे दोगे? अरे, मैंने तो सफेद शीट कहा था, ये सफेद नहीं है टाइगर। तो फिर सफेद रंग कौन सा है? आओ मैं समझाता हूँ। पर्वत पर की बर्फ सफेद, सागर का है झाग सफेद, दादाजी के बाल सफेद, दूध सफेद और दही सफेद, हम सबके हैं दांत सफेद, सब रंग मिले तो रंग सफेद। पर्वत पर की बर्फ सफेद, सागर का है झाग सफेद, दादाजी के बाल सफेद, दूध सफेद और दही सफेद, हम सबके हैं दांत सफेद, सब रंग मिले तो रंग सफेद। अब समझे टाइगर, सफेद रंग कौन सा होता है? हाँ, समझ गया मैं। वाह टाइगर, तुम तो समझदार हो गए हो, थैंक यू। देखो सूरज निकल आया है, कितना सुंदर सवेरा है। हाँ, कितनी अच्छी हवा चल रही है, नहीं? हाँ, देखो चिड़िया भी अपने अपने काम पर निकल पड़ी है, पर ये टाइगर किधर है, दिख नहीं रहा। सो रहा होगा अभी तक। चलो उसे उठाएं। चलो उठो उठो टाइगर, देखो सवेरा हो गया है। मुझे सोने दो। सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा, आया मीठी हवा का फेरा, चिड़िया ने फिर छोड़ा बसेरा, जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय मत खो। सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा, आया मीठी हवा का फेरा, चिड़िया ने फिर छोड़ा बसेरा, जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय मत खो। तो टाइगर, कुछ समझ आया? हाँ, यही कि हमें रोज सवेरे समय पर उठना चाहिए और इस सुंदर समय का आनंद लेना चाहिए। हाँ चलो हम भी इस सुंदर सवेरे का आनंद लें। अप्पू, कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ बॉल। अच्छा, तुम जंगल बॉल लेने जाओगे? शेर से डर नहीं लगता तुम्हें? नहीं, मैं किसी से नहीं डरता,
शेर से भी नहीं। अच्छा ऐसी बात है, आओ हमें कविता सुने। शेर निराला हिम्मत वाला, लंबी लंबी मूंछों वाला, भागो भागो आया शेर, दौड़ो दौड़ो आया शेर। शेर निराला हिम्मत वाला, लंबी लंबी मूंछों वाला, भागो भागो आया शेर, दौड़ो दौड़ो आया शेर। शेर निराला हिम्मत वाला, लंबी लंबी मूंछों वाला, भागो भागो आया शेर, दौड़ो दौड़ो आया शेर। मैं नहीं जाऊंगा बोल लेने, कहीं शेर आ गया तो। भागो भागो शेर आया, दौड़ो दौड़ो। ये सारी गाड़ियाँ रुक क्यों गई हैं? क्योंकि सिग्नल लाल हो गया है। टाइगर, जब लाल सिग्नल होता है तो गाड़ियों को रुकना होता है, समझे? वो क्यों? ताकि सड़क के दूसरी ओर की गाड़ियाँ जा सकें और ट्रैफिक जैम ना हो। तो फिर ये गाड़ियाँ कब आगे जाएंगी? तुम बच घूम देगी कच्ची कुम, तुम बच घूम देगी कच्ची कुम, तुम बच घूम देगी कच्ची कुम, तुम बच घूम देगी कच्ची कुम। कहे लाल चलो, कहे हरा तैयार रहो, कहे नारंगी दिया टिमटिमाते, ये यही कहते हैं, सभी को सुनाना होगा तुम और मैं। तुम बच घूम देगी कच्ची कुम, तुम बच घूम देगी कच्ची कुम। रुको कहे लाल चलो, कहे हरा तैयार रहो, कहे नारंगी दिया टिमटिमाते, ये यही कहते हैं, सभी को सुनाना होगा तुम और मैं। अब समझे टाइगर? हाँ। क्या समझे? यही कि जब सिग्नल लाल हो जाए तो रुक जाना चाहिए और जब हरा हो जाए तो चलना चाहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। म्यूजिक और मजे के लिए बेल बटन को दबाइए।